तो दोस्तों, भारतीय वाङ्मय में सब कुछ है। हमारे साहित्य में, इतिहास में, पुराण में, शास्त्र में और हमारे षड् दर्शन जो है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि अगर इतना अध्ययन करे बंदा, पढ़ ले ऐसा नहीं करूँगी, पढ़ना तो ऐसे काम की तरह बंदा ले कि बस मुझे महाभारत का पूरा कर लेना है, भागवत पढ़ा है, रामायण पढ़ी, ऐसे बहुत लोग मिलते पढ़ते। मैं ये कहूँगी दोस्तों कि जो शास्त्र है वो पूजा पाठ करने के लिए नहीं है, लेकिन अटक गए हम कहीं, भटक गए और हमारे लोगों ने हमको भटकाया। यहाँ जितना साहित्य है इतना पूरी तरह से एक बार बंदा जो अंदर उतार ले, उसके सत्य को अंदर उतार ले, तो फिर पश्चिम के सर्जकों ने क्या कहा है इसकी जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, रेफरेंस के लिए कोई बात निकल जाए तो एक अलग बात है, कोई कॉम्प्लेक्स से हम पीड़ित नहीं है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हम इंडियन है, नहीं। लंदन का कोई अच्छा, मतलब यूरोप का कोई अच्छा सर्जक हो तो उसमें से कोई अच्छी बात हो तो हम सीखिए, ग्रीस का कोई अच्छा बंदा हो, जैसे सोक्रेटिस का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था एरिस्टोटल, अरस्तु, तो अरस्तु की कोई अच्छी बात हो तो हम सीखिए, सीखने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ कि भारत का कोई बंदा जो बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, ऊर्जा है पूरी जिसके पास लोगों को अपना बनाने की, ऐसा बंदा विदेश जाए और यहाँ का सत्य, परम सत्य जो है, इससे जो सनातन है, जो यहाँ है वही यूरोप में होगा, वही अमेरिका में होगा, इसमें किसी की बात की ताकत नहीं है कोई व्यवहार कर पाए। सूर्य पूर्व में उगता है, मतलब पूर्व में ही उगता है, कोई ये नहीं कह पाए कहेगा कि पश्चिम में उगता है। तो ऐसी अध्यात्म से और धर्म से रिलेटेड भी ऐसी बातें हैं जो वहां जाकर कहे तो वहां के लोगों को हमारे साथ कन्विंस सोना ही पड़ेगा, कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कन्विंस करना मतलब कुछ थोपना, कुछ आयास प्रयास, सहजता से सामने बात रखते तो बहुत हो गया, अपने आप बंदा जाग जाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल भाषा अलग अलग होती है लेकिन सत्य तो एक ही होता है, परम सत्य जो है वो तो एक ही होता है, भाषा अलग अलग हो सकती है। एनीवे दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वहाँ गए, वहाँ के रंग में रंग गए, तो यहाँ का कि विचार वहाँ देने की बात तो बाद में रही, लेकिन वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए और वहाँ की रोल्स रॉयस और रुपये इकट्ठे करने के लिए, वहाँ का धन जवाहरात ये सब इकट्ठे करने के लिए, वाहवाह कराने के लिए वहाँ के रंग में रंग गए, यहाँ सब यहाँ का छोड़ कर, यहाँ का भूल कर। इससे केवल वो ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ, तो जो होना था वही हुआ, इससे मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन हमारा भारत डिग्रेड हुआ, थोड़ा डिग्रेड हुआ। आज जो समझदार और साफ सुथरा सही जीवन जीने वाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ बुक हाथ में पकड़ा दो तो पाठ करने के बाद कुछ न कुछ ऐसी बात आ जाती है कि या कोई सेक्स की बात हो या कोई जोक की बात हो इस तरह की, कि आगे के पाठ पढ़ने में जो वो सात्विकता विकसित हुई वो सब सत्यानाश। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी आध्यात्मिक हादसा हो गया भारत के साथ। छोड़ो, मुझे उन लोगों की बात नहीं करनी, ये तो बात निकली तो बहुत निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, सारी बात हो गई, लेकिन मुझे बात करनी भरोसे की। और ऐसे लोग लाखों करोड़ लोग जिस बंदे में विश्वास करते हैं, ऐसा बंदा अगर पर्टिकुलर रिलीजियस फील्ड का ऐसा बंदा जो खुद को स्पिरिचुअल कहलाता है, ध्यान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे बंदे जब करोड़ों करोड़ों दिल का भरोसा तोड़ देते हैं, तब फिर सच्चे लोग भी अंधेरे में चले जाते हैं,
मतलब कि सच्चे लोगों को सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते, ये सारे सब मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर बाद में तो फंसाने वाले ही है। तो मैं ये भी साथ साथ कहूँगी, एक मुद्दा निकल ही गया है तो, कि भरोसा निभाना ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले तो ये सोचना है कि आप खुद के साथ तो धोखा नहीं कर रहे हैं। सही। खुद के साथ तो कहीं धोखा नहीं कर रहे आप, पहले ये सोचना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी कि भरोसा करना, भरोसा निभाना ये तो उत्तम है ही, और भरोसा करना ये इससे भी उत्तम है। और ये भी कहूँगी कि अगर व्यवहारिक तौर पर से एक भरोसा होता है, ये तो करना ही पड़ता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल तौर पर भरोसा करना होता है, जो एक अज्ञात का भरोसा करना है, जिसको देखा हो इसका भरोसा करना आसान है, जिसको मिले हैं उसका भरोसा करना आसान है, जिसको पहचानते उसका भरोसा करना आसान है, क्योंकि कभी कान पकड़ कर कह तो पाए कि सारे नालायक तूने ऐसा किया। लेकिन अज्ञात पर भरोसा करना, जिसे देखा नहीं है, जिससे बात हुई नहीं, जिसका परिचय नहीं, जिसका रंग रूप नाम गुण क्या है कुछ पता नहीं, बस और फिर भी जो कुछ संतों ने कह दिया, महर्षियों ने कह दिया, मनीषियों ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया, और हमने मान लिया और भरोसा करना शुरू किया और तैर गए, बहुत बड़ी बात है। और भक्त ध्रुव के साथ ऐसा ही घटा। दोस्तों, मनु महाराज का नाम आपने सुना होगा, मनुस्मृति बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कुछ लोगों को मनुस्मृति से तकलीफ है। मनुस्मृति में से नेगेटिव चीजें क्या क्या है, ये पकड़ पकड़ कर कुछ पर्टिकुलर पंथवादियों ने युवाओं के सामने रखी है। निगेटिव बातें ढूंढ ढूंढ कर होता है ना, कि निगेटिव क्या है, लोगों का नज़रिया ऐसा होता है कि कितना भी सही है, कि कितना भी अच्छी चीज़ क्या है, सही चीज़ क्या है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे हो गया कुछ, उसके विचारों के साथ तालमेल नहीं आया तो उसने उसके विरुद्ध में शुरू कर दिया प्रचार। तो ऐसा मनुस्मृति के साथ भी हुआ है कि मनुस्मृति की कुछ बातें पर्टिकुलर लघुता ग्रंथि फैले लोगों में, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों में, ऐसी धर्म की कुछ राजनीति हुई है। मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा ही नहीं, कुछ कहते ऐसा लिखा है, कुछ कहते रामायण में ऐसा लिखा ही नहीं, कुछ लोग कहते लिखा है, कुछ लोग कहते भागवत में ऐसा लिखा ही नहीं, वेदव्यास ने तो पीछे से किसी ने जोड़ दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि मनुस्मृति में मनु ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं और किसने जोड़ दिया उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको फ्यूचर में लोगों को भड़काने के लिए कुछ जोड़ दिया गया। बाकी मनुस्मृति में तो नारी का कितना महिमा गान किया है, श्रम शक्ति इसे आगे लेकर, अर्थ शक्ति इससे आगे लेकर, रक्षा शक्ति और सबसे ऊपर ज्ञान शक्ति, ब्रह्म शक्ति, वैश्य शुद्र, इसको इस तरह से जो समझा जाए तो पता चले कि मनुस्मृति क्या है। छोड़ो, मैं मनुस्मृति के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन मनु की बात आए तो मनुस्मृति की याद कराऊंगी तो ही मनु आपको याद आएगा, इसलिए मुझे मनुस्मृति के लिए दो शब्द बोलने पड़े। खैर छोड़ो, मैं तो यही कहूँगी कि जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि ऐसी रखे कि जो जहाँ से बन पड़े अच्छा ले ले, नहीं पसंद आए छोड़ दो, फैंक दो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाव है, संतों ने कहा है, ये आगम के सरल सरल भाषा में समझ में आता है कि सज्जन कैसा होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाव, जैसे सुपड़ा होता है, सुख का स्वभाव होता है कि सार सार को गई लिए, सार सार को ग्रहण कर लेते, थोथा दे बुलाए और जो काम की बात नहीं है उसे जाने देते। खैर छोड़ो दोस्तों, मनु महाराज, और मनु की बात आएगी तो मनवंतर की बात आएगी।
तो मन्वंतर क्या है दोस्तों? हमारे पुराणों में 14 मन्वंतर दिए हैं। कितने? 14। तो मन्वंतर क्या है कि वे प्रलय हो जाता है, फिर बाद में सृष्टि शुरू होती है और अनेक प्रकार की सृष्टियाँ बनती है, लाखों लाखों योनियाँ बनती है और उसमें मनुष्य योनि और मनुष्य जाति जो पूरी है, मानवता पूरी मानवता है, जो उस मानवता ह्यूमन काइंड मतलब मानव जाति का जो मुखिया स्थापित किया गया हो ये मन। सृष्टि का आरंभ हो और मनुष्य विकसित हो और उस मनुष्य के पूरे पूरे मार्गदर्शन के लिए और मनुष्यों पर अनुशासन के लिए, सुचारू राज्य के लिए जो नियुक्त किया जाता है वह है मन। मन को ब्रह्मा के पुत्र माने हैं। खैर, उन बातों में हमें नहीं जाना है। और मनु का मन का मनुष्य का अर्थ क्या है? जिसके पास मन है, जिसके पास मन है वो मनुष्य। और विशेष प्रकार का मन हमारे पास है, उस मन के द्वारा एवरेस्ट सर भी किया जाता है और उसी मन के द्वारा पहाड़ों को हिलाया भी जाता है। और उसी मन के द्वारा अगर बंदा निराश हो गया, हताश हो गया तो खत्म भी हो सकता है। मन भी हजारों हजारों प्रकार के हैं। मन के बारे में अभी बात नहीं करनी है, परंतु मनो सृष्टि पूरी खत्म हो जाती है, फिर से सृष्टि का आरंभ होता है और मनुष्य जाति की जाति पर मार्ग अनुशासन करने के लिए और मनुष्य को अनुशासन के साथ साथ सुरक्षित रहने के लिए और उसका मार्गदर्शन करने के लिए मन को नियुक्त किया जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसे 14 मन्वंतर है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बार बार ये सृष्टि बनी है, बार बार खत्म हुई है और बार बार मन को नियुक्त किया गया है मनुष्य जाति पर अनुशासन करने के लिए। ओके, ये मन का परिचय हुआ। महाराज मनु के दो पुत्र थे। मुझे आना ही ध्रुव की बात पर, लेकिन भूमिका तो बनानी पड़ेगी। इसमें दो बातें हो जाती है सहजता से, वो इरादा नहीं होता है मेरा, लेकिन सहजता से दो बातें हो जाती है। थोड़ी जो हिस्ट्री हमारी पुराण कथाएं हैं जो दिव्य है, सुंदर है, प्रेरणादायक है, तो इसकी भी चर्चा हो जाती है और साथ साथ में भक्तों के चरित्र पर सत्संग भी हो जा रहा है। और वर्तमान जो मेरा है वो बहुत अच्छे से पसार होता है, इससे अच्छा क्या हो सकता, इससे अच्छा क्या हो सकता। और मेरे साथ मेरे सुनने वालों का, और अगर आपको लगता है कहीं दम है बात में तो शेयर भी जरूर करना, तो औरों का वर्तमान भी जब वो देखेंगे इतनी देर के लिए औरों का वर्तमान भी सुधरेगा, अच्छा जाएगा। चलो अच्छा ही होगा तो और अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी। अब जिस विषय पर मैं जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना, वो सीधे मानव के मन के साथ जुड़ी हुई बात है, डायरेक्ट 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 ह्यूमन साइकोलॉजी को टच करती है। दो पुत्र मनु महाराज के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का पुत्र हुआ भक्त ध्रुव। उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी, सुरुचि सुनीति। अब ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। सुरुचि सुनीति, जो सुरुचि थी उसको राजा ज्यादा प्यार करता था, उसके साथ ही रहता था, और सुनीति को अन्याय हो रहा था। वह भी सुंदर थी, गुणवान थी, कुशल थी, लेकिन राजा की गुजराती में दो शब्द है, मानी थी और अणमानी थी। तो अणमानी थी रानी थी, उसको समय नहीं देना, उसके साथ बैठना नहीं, क्योंकि ये भी एक होती है पुरुष की तकलीफ,
पुरुष को ऐसी औरत चाहिए जो उसका मनोरंजन करे हर तरह से, ऐसी औरत नहीं चाहिए जो उसे जगाए। पुरुषों को ऐसी औरत नहीं चाहिए जो उसे जगाए या उसे अध्यात्म की बात करे, उसका आध्यात्मिक लेवल अप हो, ऐसा माहौल क्रिएट करे जो कड़वे सच हो जीवन के, ये बताए। केवल शरीर में आसक्ति नहीं, लेकिन शरीर टिक रहा है स्पिरिट से, आत्मा से, तो आत्मलक्षी चर्चाएं और सत्संग करे। और हित कर क्या, अहित कर क्या, ये सब बातें बताए खोल कर। ऐसी नारियां नहीं चाहिए पुरुषों को, ये तो लाखों में एकाद याज्ञवल्क्य जैसा निकलता है। बाकी तो जनरल तो नारी बस मनोरंजन करे पुरुष का हर तरह से। ऐसी नारी को ज्यादा प्यार करता है पुरुष। महाराज उत्तानपादे इस प्रकार के पुरुषों का प्रतीक है। मैं कहती हूँ भाइयों को, नौजवानों को, कि अगर आपको उम्दा औरत मिली हो, उम्दा पत्नी मिली हो, समझदार पत्नी मिली हो, मैच्योर पत्नी मिली हो, केवल शरीर या आपके धन को प्यार नहीं करती हो, लेकिन आपका कल्याण चाहती हो, और आपके कल्याण के लिए अगर वो अपने तरीके से कुछ घर में विशेष व्यवस्थाएं करती है, और आपका समय मांगती है, और आपके साथ सत्संग चाहती है, आपके साथ विचार विमर्श कर सकती है, तो ऐसी औरत को सम्मान देना सीखो, इसमें आपका कल्याण होगा। बाकी केवल मनोरंजन का साधन आप समझेंगे नारी को, तो आगे की औलाद ऐसी ही मिलेगी आपको। सबसे पहले तो ये रिजल्ट मिलेगा, और कोई मिले ना मिले ये तो मिलेगा। भोग और विलास ये जीवन का ध्येय नहीं है। जीवन का ध्येय है मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है यह पृथ्वी पर आने का, मैं किस लिए आया हूँ, ये सारे विषय पर सोच शुरू हो। मुक्त कब होंगी ये नहीं कह रहे हूँ, मैंने लिखा है भजन में, तेरी पूजा प्रार्थना में मैं जानू आराधना भी अभी से न जानू मैं कौन हूँ, पहले इतना तो जानू किसने बनाया उसे पहचानू। अल्लाह अकबर कहूँगा मैं, फिर काशी और काबा रटूंगा मैं, फिर रहीम राम तेरे लड़ूंगा मैं, फिर जो बैठा है भीतर उसे पहले जानो, भीतर बैठा है उसे तो जाना नहीं, और रहीम राम के नाम पर लड़ने मरने पर तैयार है, कुंभ की नदियां बह रहा है। मैं कहती हूँ अगर नारी समझदार हो घर में, नारी शीलवान हो, नारी गुणवान हो, नारी चिंतन युक्त मानस वाली हो, तो वह आपकी मदद कर सकती है, और पूरा समाज इस तरह से बदल सकता है, पूरी जनरेशन नई अच्छी प्राप्त हो सकती है हमको। लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी है कि दिन ब दिन भोग विलास बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या है ऐसा कि हर जगह नारी का यूज, हर जगह नारी का यूज, साबुन की जायदाद देखो, एड देखो तो उसमें नारी, और पिक्चर में देखो, कोई और एड में देखो, जहाँ देखो वहाँ औरत को इतने खराब तरीके से इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, और औरतें करने भी देती है, ये उसे पुजिया समझे कि कठपुतली समझे, पैसे के लिए नारी भी शरीर उघाड़ रही है, कहाँ जाकर अटकेगी ये बात है? पता नहीं, रास्ते पर जाते हैं तो समझ में नहीं आता है माँ कौन और बेटी कौन, दोनों ने छोटी चड्डियाँ पहनी है, छोटे वस्त्र पहने, ऊपर का शरीर भी थोड़ा बहुत ढका है,
अरे आप बाजार में निकले हो तो आपको स्विमिंग पूल भी जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मुझे कोई ऑर्थोडॉक्स माने, पुराने विचारों वाले माने, कोई बात नहीं, मंजूर है मुझे। पुराने विचार अगर जो मनुष्यता को ऊपर उठाने वाला है, पुराने विचार अगर मानव को सुरक्षित रखने वाला है, पुराने विचार अगर मानव मूल्यों को सुरक्षित रखने वाला है, और पुराने विचार में जो वैल्यूज है और वे ऑफ लाइफ जो थे पुराने वो अगर अच्छे हैं, तो मुझे कोई पुराने विचार वाले कहे तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ। हम बात ये कर रहे थे कि राजा की दो रानी, ध्रुव के पिता की, एक का नाम सुरुचि, दूसरी का नाम सुनीति। सुनीति के पास जब भी राजा जाता था तब सुंदर नीतियों की बात करती थी उसकी पत्नी, तो राजा बोर होता। आज की प्रजा बोर होने लगते, बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं, नहीं इसमें रस नहीं है, ये बंद करो सत्संग और कुछ चढ़ा दो, और कुछ चढ़ा दो। मुन्नी बदनाम हुई शिला की जवानी, ये देखने में ये सुनने में लोगों को रस पड़ता है, और ऐसी बातें चलती होगी तो बंद करो। भोग्या के सिवाय कुछ दिखता है कि नहीं ना, तो सुरुचि के साथ उसे अच्छा नहीं लगता था, और सुरुचि उसका मनोरंजन करती थी केवल केवल, तो उसके साथ उसको जमता था, तो सुनीति अनमानी थी। फिर मैं भोग तो लिया था, भोगा नहीं होता तो ध्रुव का जन्म कहाँ से होता, ध्रुव था सुनीति का पुत्र। भोग तक रस है, स्वभाव को रूपांतरित करने की जहां बात आती है वहां बंदा भाग जाता है, हट जाता है, बस यही तकलीफ है। और केवल ऐसे नहीं कि ये सुनीति से भागता था उत्तान पर, आज का मनुष्य यही कर रहा है। अगर आपको बड़े पैमाने पर सत्संग अरेंज करना हो तो भी आपको मनोरंजन करना पड़ेगा धनवानों का, करते हैं लोग। अगर आपको नाम कमाना है तो भी आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको मॉडलिंग की दुनिया में जाना है तो भी मनोरंजन करना पड़ेगा किसी को, फिल्मी दुनिया में जाना है तो भी शरीर बेचना पड़ेगा। कहाँ जाकर खड़ी है दुनिया और आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो देखी जाएगी, तब की चिंता नहीं कर रही, वर्तमान की बात कर रहे हैं। सुनीति को, सुनीति का शरीर उसको पसंद था लेकिन उसकी नीतियां, उसको अच्छी नीतियां जो थी वो पसंद नहीं था। तो सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, एक पुत्र को जन्म दिया सुनीति ने। 5 साल का बच्चा ध्रुव एक बार सभा में पिता की गोदी में बैठने जा रहा है, जैसे ही गोदी में बैठने जाता है वैसे जो सुरुचि थी, हर आदमी ने ये, हर आदमी की बात है, सुरुचि, रुचि यानी इच्छा, अच्छी अच्छी इच्छाएं होती है, अच्छा घर हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छी फ्रेंड हो, अच्छा नाम हो, सब अच्छा अच्छा चाहिए, सच्चा सच्चा नहीं चाहिए। और सुनीति बड़ी सिंपल थी, तो संस्कार उतरे ये ध्रुव में सिंप्लिसिटी का। सिंप्लिसिटी बहुत प्यारा शब्द है, हाँ बेटा बहुत प्यारा शब्द है, और एक शब्द पर हम काफी बोल सकते हैं, फिलहाल तो ध्रुव की बात की ओर जाएंगे। पिता की गोद में जब 5 साल का बच्चा बैठने के लिए गया तो सुरुचि ने कहा नीचे उतर, हाथ पकड़कर उसे झकझोर कर कहा कि तेरा अधिकार नहीं है राजा की गोदी में बैठने का। बोले क्यों, मेरे पिताजी थे। बोले नहीं,
अगर तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो तुझे मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। तू अड़मानी तिराणा का पुत्र है। तुमको बहुत दुख हुआ, रोने लगा बच्चा है ना, ये क्या होता है, इसके पेट जन्म लेना पड़ेगा, ये मेरे पिताजी ठीक है और बच्चा तो बच्चा होता है, छोटा होता है या बड़ा हो, लेकिन जब कंफ्यूज हो जाता है, कोई समाधान नहीं होता, तब आखिर तो माँ के पास ही जाता है। तो माँ के पास जाता है और रोता रोता माँ की गोदी में बैठता है। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, जो कुछ घटना घटी थी ध्रुव ने बताई कि माता सुरुचि जी ने मुझे इस तरह से उतार दिया पिताजी की गोद में से, क्या ये मेरे पिताजी नहीं, मैं उसकी गोदी में नहीं बैठ सकता, मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। सुनिधि ने जवाब दिया बेटा सुन और मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं भी नाशवान हूं, तुम भी नाशवान है, तेरे पिताजी भी नाशवान है और माता सुरुचि भी नाशवंत है और सत्ता भी नाशवंत है, मतलब माँ सबका नाश हो जाएगा। बोले हाँ, अश्वघोष ने कहा ना बुद्ध चरित्र कि नहीं संशय काल वशे न भावी, बुद्ध को कहते हैं कि कोई संशय नहीं राजकुमार, आपके भी एक बार मृत्यु आ जाएगी और मौत मिल जाएगी। तो ध्रुव बोले हम सब मर जाएंगे, समय के साथ बेटा सब मर जाएंगे, पद प्रतिष्ठा पैसा ये रिश्ते नाते दुनियावी सब खत्म हो जाएंगे, तो मुझे क्या करना होगा। बच्चे का मन होता है छोटा होता है, उसका ईगो भी छोटा होता है, जैसे जैसे बंदा बड़ा हो जाता है वैसे वैसे हजारों बातें हजारों अनुभव उसके जहन में उतरने लगते हैं और मन बड़ा हो जाता है। बच्चे के पास बहुत बड़ा मन नहीं होता, छोटा सा मन होता है। तो मन छोटा होता है तो वहाँ कोई बात रखने की जगह होती है, तो जल्दी से वह बच्चा मान लेता है बात को। तो भक्त ध्रुव को माता सुनिधि जी ने कहा कि सुन बेटा, सब नाशवान है, सबका नाश हो जाने वाला है और नाशवंत की गोदी में बैठने के लिए तो इतना रोता है और दुखी होता है, इससे तो बेहतर है बेटा कि जो जगत का नाथ है, जो ऐसे हजार ब्रह्मांड को पैदा करते हैं और खत्म करते हैं लेकिन जिसकी कभी मृत्यु नहीं है, उस परमात्मा की गोदी में बैठना। बोले परमात्मा की गोदी में कैसे होती है परमात्मा, बोले बेटा तुझे अनुभव होगा ना तब पता चलेगा कैसे होते हैं। बात भी सही है, वाणी से पर है, वर्णन से पर है, अप्रमेय कहा है, अक्षर कहा है, अमर कहा है, अक्षय कहा है, तो बेटा ये अनुभव होगा तब पता चलेगा। तब बच्चे ने कहा कि माँ ये अनुभव कैसे होगा, मुझे अनुभव लेना है। बोले ऐसा अनुभव तुझे लेना है तो तुझे तप करना पड़ेगा, जंगल में जाकर ये सुख वैभव और रेशमी बिस्तरों में अनुभव नहीं हो सकता। तो माँ मैं जंगल में जाऊँगा, माँ तुझे छोड़कर जाऊँगा, तुझे दुख तो नहीं होगा ना बेटा, दुख कैसा, तेरे कल्याण के लिए तो मेरा जन्म हुआ, तुझे जन्म देने के लिए और तू तेरे कल्याण के लिए, जा बेटा कठिन है बात हाँ, इतना आसान नहीं है। सुनिधि को भी तकलीफ तो हुई होगी इतने छोटे से बच्चे को इतना कड़वा सच पिलाने में, बच्चा तो बच्चा होता है जैसा कहो वैसा कर देता है। ध्रुव को कम तकलीफ हुई होगी, माता को ज्यादा हुई होगी, लेकिन ऐसी माताएं चाहिए, ऐसी माताएं जब भारत को मिलेगी तब जाकर भारत का उद्धार होगा। बड़े बड़े विकास की बातों से कुछ नहीं होता, आंतरिक विकास बहुत जरूरी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बनने का बहुत जरूरी है और आज ये नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है।
आज दिखाई दे रही केवल कॉम्पिटिशन, आज दिखाई दे रहा है केवल झगड़ना, कोल्ड वॉर, ऐसे नहीं पता चलता है। लेकिन हो सकते दो बंदे पास पास बैठे, एक ही सोफा सेट पर बैठे, एक ही साथ काम कर रहे और फिर दोनों के अंदर वॉर चल रहा हो। ये स्थिति है, मानव पागल होता जाता है। पागल खाने वाले पागल अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्वस्थ दिखने वाले पागल है पैसे के पीछे या लड़की के पीछे या नाम के पीछे या पद के पीछे, ये पागल ज्यादा खतरनाक होते हैं। छोड़ो दोस्तों, बात ध्रुव की करनी है। एक माता ने जो 9 महीना पेट में पाल पोष कर जिस बच्चे को बड़ा किया हो, फिर जन्म दिया हो, फिर दूध पिलाया हो, और 5 साल तक ध्रुव जैसे प्यारे बच्चे को बड़ा किया हो, और उसी बच्चे को कड़वा सच बता देना कि परमात्मा को पाना है तो ये भोगवादी बाप के राज्य में रहकर कभी नहीं पा पाएगा, तुझे त्याग मार्ग पर जाना होगा, जैसे माता मदालसा शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से तीन तीन चार चार पुत्रों को हम लोरी में गाती थी कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, चिरंतन है। ऐसी माताओं की आवश्यकता है आज के समाज में। ऐसी माताओं की आवश्यकता नहीं है कि जो शाम हो और हस्बैंड को कोई चलो होटल में खाने के लिए जाते हैं और दिन में सीरियल देखती रहे जब हस्बैंड जॉब पर गया होता। और ये सीरियल भी कैसी कि विषाक्त कर दे मनुष्य के मन को, विषाक्त कर दे, जहर से भर दे। ऐसी बातें सिखाए कि जो जरूरी नहीं जीवन के लिए, जो मृत्यु की ओर ले जाती है, खत्म करती है आदमी को। और मरना एक प्रकार का नहीं होता शरीर से मरना, आदमी का शरीर मर जाता है तो वो मरा हुआ ही है। तो दोस्तों, ध्रुव तो तैयार हो गया कि जिस ऐसा पद के जो कभी खत्म न हो, नष्ट न हो, मुझे तो ऐसे परम पद को पाना है, ऐसे पिता की गोदी में मुझे तो बैठना है। और बहुत विरले लोग ऐसे बाप की गोदी में बैठे हैं, बहुत विरले। इसलिए मैं आज सोक्रेटिस पर बोलने में मुझे फख्र हो रहा है, यीशु पर बोलने में मुझे फख्र हो रहा है, ध्रुव पर बोलने से मुझे आनंद आ रहा है। क्यों? लोग कहते यीशु परम पिता, मतलब लोग पूरी क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि यीशु परम पिता परमात्मा के एकलौता बेटा। लोग मजाक उड़ाते हैं कि क्या भगवान के दूसरे बेटे ही नहीं, एकलौता है। हाँ, जो वीर ले होते वो एकलौते बेटे ही होते भगवान के, ऐसे दूसरे नहीं होते। दूसरा यीशु नहीं हुआ, दूसरा ध्रुव हुआ तक नहीं हुआ। तो मैं कहूँ कि ध्रुव भी एकलौता बेटा था भगवान का, केवल यीशु नहीं। प्यारे होते परमात्मा, तो कहने का तात्पर्य ये है, शब्दों पर मत जाओ, शास्त्रों के धर्म शास्त्रों के शब्दों पर मत जाओ, उसमें जो रहस्य छिपा इम्प्लाइड मीनिंग है उसे समझने की कोशिश करो। तो इकलौते बेटे इसलिए कहा कि इकलौता बहुत प्यारा होता है माँ बाप को। वैसे ही ऐसे लोग जो फना होने के लिए दुनिया में आते हैं और सत्य के लिए फना हो जाते हैं, वो ईश्वर के इकलौते बेटे हैं। बस मुझे इतना ही। तो ध्रुव माँ से कहते हैं कि तो मैं जाऊँ जंगल में, बेटा इंतजार किस बात का कर रहा है। छोटा सा ध्रुव चल पड़ा भागता हुआ, कहाँ जाएगा, मंजिल कहाँ है, क्या करना है, तपश्चर्या क्या होती है, मंत्र वंत्र क्या होता है, कुछ पता नहीं है। बस भागने लगा, चलने लगा, अज्ञात की ओर यात्रा शुरू हो गई, चलने लगा। लेकिन जब आप भले भले आपको कोई पता नहीं हो बेटा, मेरी भी ऐसी स्थिति थी। मैंने जब घर छोड़ा 14 साल की उम्र में, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन मदद करेगा, खाएगी क्या, क्या होगा, लड़की का शरीर है, कुछ नहीं। जो लंबा, बहुत लंबा सोचता है ना, मस्तिष्क से जीता है ना, वो उसे प्रेम नहीं कर सकता। और उससे एक बार जो प्रेम हो गया, वो दिमाग को बंद कर देते हैं और परम प्रेमी प्रियतम उसका रास्ता
करती जाती है, मदद मिलती जाती है। कुछ पता नहीं था ध्रुव को, अचानक रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, अरे बालक, इतना सुंदर बालक, कौन है आप? ध्रुव ने कहा, मैं कोई भी हूं, आप कौन है? बोले, मैं तो नारायण भगवान का भक्त हूं। आप भक्त है? बोले हाँ। तो मुझे बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? जगह। तो नारद ने कहा कि तुझे भगवान को मिलकर क्या करना है? आपने क्या किया? आपको भगवान मिले? बोले हाँ। तो आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं नारायण, करना बस। तो आपने किया हो, मैं करूंगा। आपको पता है तो सीधी सीधी बात करो। नारद को हुआ परीक्षा पहले बच्चे की, कि बचपना है कि मैच्योर है। कभी कभी बूढ़ा आदमी भी मैच्योर नहीं होता, और कभी 5 साल का बच्चा भी मैच्योर होता है, और आजकल इमैच्योर लोग ज़्यादा दिखने में आते हैं। ये सुनकर कभी हो सकता है कि आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। नारद को वह परीक्षा ली थी इस बच्चे की। तो नारद ने कहा कि बेटा, तू तो बहुत छोटा है, तेरी कोई उम्र नहीं है अभी, और राजघराने का बच्चा है, लगता है पीले तिलक से, क्योंकि पहले तिलक लगाए जाते थे, इसे पता चलता था कि कौन से राज्य से, कौन से नस से पता चलता है। तो जानबूझ गए तो नारद जी आए थे इसकी सहायता करने के लिए। संत का काम ही होता है कि सहायता करे, मार्गदर्शन ना, एक थोड़ा रास्ता दिखा दे। मैंने कहीं लिखा है कि मैं तो दिया हूँ, फकत रोशन करूँगा राह को। मैं तो दिया हूँ फकत रोशन करूँगा राह को। पानी है मंजिल अगर तो चलना पड़ेगा आपको, पानी है मंजिल अगर तो चलना पड़ेगा आपको। मंजिल पानी है तो चलना तो खुद को पड़ेगा, यात्रा तो स्वयं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, छोटी सी टार्च भी आपका मार्गदर्शन करे तो 4-4 कदम करके आप 400 किलोमीटर भी जा सकते हो। ऐसे साधु संत महात्मा हो तो केवल टॉर्च का काम करते। हाँ, टॉर्चर नहीं, महात्मा टॉर्चर भी बहुत करते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करना चाहिए, हमारे संप्रदाय के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टॉर्चर नहीं करना है, खाली टॉर्च का काम करना है, दिया बनना है छोटा सा। नारद ने कहा, तुझे खेलने कूदने की अभी उम्र है, आनंद प्रमोद करने की उम्र है, तो तू क्यों भाग रहा है? तो नारद को पूछा ध्रुव ने कि आपने कितनी उम्र में भजन किया? बोले, मैं भी तेरी उम्र का था। तो बोले, आपकी खेल कूद की उम्र नहीं थी, आनंद प्रमोद का आपका समय नहीं था, आपने क्यों ये रास्ता पकड़ लिया? बोले, रास्ता अच्छा है और सच्चा है, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो इस रास्ते पर जाने से? नारद को लगा कि फन तो है, डिटर्मिनेशन जो है उसका निर्णय है, निर्णय का तो पक्का है। ठीक है, तो मतलब तू मानेगा नहीं, जाएगा ही? बोले हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा साधना करने के लिए। आपको मेरी मदद करनी है तो कुछ करो, कुछ कहना है तो, बाकी हाँ तो हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे आगे बढ़ने दो। नारद ने कहा कि लेकिन गुरु चाहिए, किसका मार्गदर्शन चाहिए, तो आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? आप बन जाओ मेरे गुरु। देखो, जो नारद भगवान का मन है, 24 घंटों जो नारायण का स्मरण करता है, भगवान बोलते स्वयं कि मैं नारद का मन, भगवान स्वयं कहते हैं, नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ, हाँ मेरे भक्त जहाँ संकीर्तन करते हैं वहाँ मैं खड़ा रह जाता हूँ। तो जो नारद जी नारायण नारायण 24 घंटे करते हैं, तो नारद तो भगवान का मन है, तो आप जैसा गुरु कहाँ मिल सकता है? आप ही मेरे गुरु बन जाओ, मन से मान लीजिए बस, बहुत हो गया। फिर वहाँ कान फूकने की जरूरत नहीं है। ये कान फूकने की बात मुझे बहुत अजीब लगती है, बहुत विचित्र लगती है।
करके कान में फूकना चाहिए, मंत्र देना है तो दे दो, कान कान फूकना दूसरे अर्थ में भी कुछ होता है, छोड़ो। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी को गुरु मान लेते तो ठीक, आप गुरु बन गए, इसके लिए किसी को बंधन गले में बांधना, फंदा बनना किसी के गले का, या गुरु दक्षिणा लेना या कान फूकना। मैंने लिखा है ब्रह्म संबंध नाम के एक मेरे दोहे का संग्रह है इसमें, कि चींटी ब्रह्म संबंध नले, चींटी चींटी थोड़ी कहीं मंत्र लेने नहीं जाती, कान फूकवाने जाती गुरु के पास, कोई ब्रह्म संबंध नहीं लेती। चींटी ब्रह्म संबंध नले गदा न जाने ज्ञान, चींटी ब्रह्म संबंध ले संबंध नले गधा न जाने ज्ञान, मोहिनी फिर भी दो में मोहिनी, मैं तखल से मोहिनी फिर भी दो में ब्रह्म तो एक समान, मोहिनी फिर भी दो में ब्रह्म तो एक समान। तो कान फूकने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। मैं कहती हूँ नई परंपराएं शुरू करो जो अच्छी हो, मनुष्य की हित में हो, और पूरी पुरानी कोई परंपरा है जो जरूरी नहीं है उस परंपरा को बंद करें तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि समाज का बुरा होगा, ज्यादा लोगों का फायदा होगा। कान फूकवाया उसको तो श्रद्धा बैठ गई, लेकिन जिसने नहीं फूकवाए वो बहुत बस्ती ऐसे लोगों की आबादी ज्यादा है, तो क्या उन लोगों का कल्याण नहीं होगा? बिना कान फूक ही चलाओ ना कि हाँ भैया आपको श्रद्धा है तो गुरु मान लो, बात खत्म हो गई। इसे बंधन बनाना नहीं है, बंधन नहीं बनाना। एक बार एक बंदे ने महात्मा को पूछा कि आप मेरे गुरु बनेंगे, तो महात्मा ने कहा कि तू ज्ञान चाहता है कि बंधन चाहता है, रिश्ता चाहता है, तू सारे रिश्ते छोड़ कर आया है, तू ज्ञान चाहता है कि रिश्ता? बोले मैं तो ज्ञान चाहता हूँ। तो बोले छोड़ मैं गुरु की बात, मैं तुझे ज्ञान दे देता हूँ, बात खत्म, बात पूरी हो जाए, फिर रिश्ता बांधना, और फिर हर साल गुरु पूर्णिमा आए फिर गुरु को पैर पड़ने जाना, दक्षिणा की व्यवस्था करना। फैमिली में क्लेश होता है कभी कभी मिडिल क्लास में कि क्या करें कैसे जाए, मत जाओ दूसरा काम है ये है वो है, लेकिन फिर भी एक परंपरा झड़ता मन में घुस गई है। मैंने तो कह दिए मेरे चाहने वालों को कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे प्रति प्रेम है तो जो मुझे आप चरण में धरना चाहते हो या जो मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, इतने पैसों का गरीब बच्चों को नोटबुक्स दे देना, पेशेंटों को दवाइयाँ दे देना, बस बात खत्म हो गई। हो गई इससे अच्छी तरह से गुरु पूर्णिमा और क्या हो सकती, होना चाहिए। एनीवे छोड़ो, ये तो मेरे विचार है, आप पर थोप नहीं रही, जिसे जो अच्छा लगे वो करता है, आपको भी जो अच्छा लगे वो आप करना। लेकिन ध्रुव ने बात पकड़ी कि तो आप ही मेरे गुरु, नाग बोली ठीक है, लेकिन ध्रुव बच्चा भी पक्का है ना, गुरु जैसे पक्के वैसे शिष्य पक्के मिल जाए तो आनंद आ जाए, तो शिष्य भी पक्का है। ध्रुव ने कहा लेकिन महाराज ध्रुव को गुरु मंत्र तो दिया नहीं, और कहाँ जाकर तप करना है ये तो कहा नहीं, ये तो गुरु बनाए तो कम से कम इतना तो बता दो, इतनी तो ड्यूटी बनती है। बोले हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कान नहीं फूका, कह दिया ऐसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, उस भगवान को भी नमस्कार करता हूँ, वासुदेव को भी नमस्कार करता हूँ, और ओम तो प्रथम नाद है ही, केवल ओम के स्मरण से ही लेकर ओम के स्मरण से ही मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र और सहस्रार तक शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये ओम जो है वो आंतरिक शुद्धिकरण के लिए है, और भगवते वासुदेवाय ये भक्ति मार्ग की बात हो गई, भगवान की शरण में प्रणाम को मैं नमस्कार करता हूँ, झुक जा झुक जा झुक जा रे बंदा, भजन में मैंने लिखा है ये झुक जा झुक जा झुक जा रे बंदा, झुकना है झुक जा, तो ये झुकने की बात है। नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमो नमस्कार करता हूँ, ठीक है महाराज जब इतना भी बता दो कहाँ जाकर तप करो गुरु बने, तो बच्चे की भाषा तो ऐसी होती है। तो नारद जी ने कहा कि यमुना या तटम शुचि, यमुना के तट पर मधुबन है,
वहाँ जाकर हम तप कर बड़े पावन जगह है और वो भी स्वाभाविक है। नदी, समंदर या कोई भी कुदरत का कोई भी स्वरूप हो, उसके सानिध्य में सहज शांति प्राप्त होती है। तो प्रकृति के सानिध्य में जाने का हमारे ऋषि मुनियों की जो वजह थी जाने के लिए, नर्मदा के तट पर काफ़ी साधु संतों के आश्रम में, पूरी हिस्ट्री देख लो, वेदव्यास ने विवाह तप किया और शुक्रदेव ने भी किया, माता अनुसुईया का आश्रम भी आपको वहाँ मिलेगा और आज का रंगौदित भी आपको वहाँ मिलेगा। क्यों? कारण एक ही है कि प्रकृति के सानिध्य में जब आप साधना करते हो तब अगर 100% ऊर्जा घर में आपको जाएगी साधना में, तो केवल 50% ऊर्जा में वहाँ आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में सहजता से मन शांत होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है, और मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक कहाँ से सुमिरन होगा। मन तो शांत होना चाहिए, इसलिए कहा कि पुण्यम मधुवनम मेना सानिध्यम नित्य दाहरे, ये भी कहा कि वहाँ मधुवन नाम का एक पुण्य वन है, पुण्यवान पावन भूमि है, और सानिध्यम नित्य दाहरे, हमेशा हरि का सानिध्य की अनुभूति वहाँ होती है, नित्य का हमेशा वो माहौल सानिध्य दे देता है। इसलिए मैं ध्यान में बातें करती हूँ। प्रकृति पर केवल 22 विधियाँ मैंने ध्यान की दी है, केवल नेचर पर, कभी क्षितिज पर, कभी सूर्योदय पर, कभी सूर्यास्त पर, कभी पहाड़ी में, कभी वृक्षों के साथ, कभी पुष्पों के साथ, कभी झरनों के पास, 22 विधियाँ केवल प्रकृति पर मैंने दी मेरे और से। क्यों? सानिध्यम नित्य दाहरे, प्रकृति के सानिध्य में सहजता से मन प्रसन्न होता है। और प्रसादे सर्व दुखाने हमारी रस्य उपजाएगी, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि प्रसन्नता से सर्व दुखों की हानि होती है। इसलिए बेटा हमें एक ही प्रयत्न करना चाहिए कि हम प्रसन्न कैसे रहे, एक ही प्रयास कैसे हम प्रसन्न रहे, जिस बात में आपकी प्रसन्नता हो ये करना। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को टीस करने में आपकी प्रसन्नता हो, किसी की मजाक उड़ाने में आपकी प्रसन्नता हो, किसी लड़की को छेड़ने में आपकी प्रसन्नता हो, तो ये प्रसन्नता नहीं, ये विकृत आनंद है, राक्षसी आनंद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर प्रसन्नता से सर्व दुखों की हानि होती है। तो एक ही आज से मुझे सुनने वाले सब शेयर भी करो और संकल्प भी करो कि हम कोशिश करेंगे यथासंभव प्रसन्न रहने की। लेकिन प्लेजर विथ कॉन्शियसनेस, प्रसन्नता लेकिन अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस आप होने चाहिए। बेहोशी में आप खुश रहने के लिए शैंपेन की बोतल खोली और नंगा नाच शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोशिश करना मुझे समझने की। और खाली मुझे सुनने से नहीं हो जाएगा, एक बार आप जाकर बैठो झरने के पास, एक बार आप बैठो नदी के तट पर चुपचाप, बैठ तो नहीं पाएंगे ज़्यादा आज के लंबे, क्योंकि भीड़ में जीने की आदत हो गई है, और अगर अकेले हैं तो भीड़ कमरे में खड़ी कर लेते हैं टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। लेकिन प्लस ये है कि फेसबुक के द्वारा हम जैसे लोग भी आपको मिलते हैं और आप जैसे अच्छे लोग मुझे भी मिलते हैं। मज़े की बात बताऊँ, कल की बात है, किसी ने कुछ कमेंट किया होगा तो हम तो साक्षी रहते हैं कोई कुछ भी कमेंट करे, लेकिन जो कोई कमेंट करता है तो सुनने वाले बंदे जो है मेरे श्रोता है, अनजान है, जिंदगी में कभी देखे नहीं, नए मंत्र फंत्र गुरु चेले का कोई बंधन कपड़ा कुछ नहीं, लेकिन जो कॉमेंट करने वाले बंदे होते हैं उसको वही मेरे श्रोता ही जवाब दे देते हैं, वहीं के वहीं सब खत्म कर देते हैं। तो मैं ये सॉरी कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे सुनने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, हाँ सुनने से सुनेंगे इतनी देर तक ऊर्जा मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आपका दिल गवाह ही देगा। कल तो किसी ने कॉमेंट में लिखा था कि मेरे दिमाग का ताला खुल गया, खुशी हुई मुझे, अच्छा लगा कि चलो हम यहाँ बैठ कर किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी
मदद हो जाती है मेरे जरिए, मैं करती हूँ तो क्या मैं क्या कर पाऊँगी, लेकिन मेरे जरिए हो जाती है मदद। अच्छी बात है, लोग प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रकृति की सानिध्य में जाइए, नदी के तट पर बैठे, आसमान गिराओ और पानी की बूंद समंदर में पड़ रही हो, गिर रही हो, तो समंदर के तट पर जाकर बैठे, देखिए, भले बीत जाए थोड़े लेकिन देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये निर्दोष आनंद क्या होता है, आध्यात्मिक आनंद क्या होता है, प्राकृतिक आनंद क्या होता है। लेकिन बहुत कम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, और अपेक्षा आपसे करते हैं कि आप भी करेंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। सानिध्यम नित्यदा हरे, नित्य हरि का सानिध्य इतनी पावन जगह है यमुना तट पर। आज तो बटर मिलती है, लेकिन एक जमाने की बात है। छोड़ो दोस्तों, भक्त ध्रुव प्रणाम करके बोले, सर पे हाथ तो रख दो, गुरु बनू, आशीर्वाद ले लिए, निकले मधुवन पहुंचे सीधे और वृक्षासन में साधना करने लगे। बायां पैर जमीन पर सीधा और दायां पैर ऊपर जमाना, जंग के मूल में दोनों हाथ ऊपर, इस मुद्रा में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम से शुरू होता है और वासुदेव से मंत्र पूरा होता है, द्वादश अक्षर का, 12 अक्षर का मंत्र, धीरे धीरे